नमस्कार। डेट है आज की 11 सितंबर 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था आपका इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल PHE का पेपर। अब ये जो इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल का पेपर कंडक्ट किया गया था, इसका पोस्ट कोड सबसे पहले देख लीजिए, 974 इसका पोस्ट कोड था। तो HPG के जो आई थी वो तो हमने सारे डिस्कस कर रखी थी, 974 इसका पोस्ट कोड था। पिछले कल जो पेपर हुए थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 121 से बोलते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन बतानी है, तो वो थी 68,64,602। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रतनपुर धार जो है वो कहाँ पर पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ये पड़ती है। अगला है 123, बोलते हैं तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। कहाँ पर आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला है गसोता मेला ये सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने बहुत बार हमीरपुर के मेले जब भी पढ़े हैं तो गसोता मेला ज़रूर पढ़ा है, हमीरपुर में ये लगता है गसोता मेला। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डल झील कहाँ पर स्थित है आपको पता है, डल में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बसपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बसपा वैली कहाँ पर स्थित है, बसपा वैली किन्नौर स्थित में, किन्नौर जिले में स्थित है। बसपा वैली, सांगला वैली, इनका तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, HPG के तो मोस्टली सारी कवर करके रखी थी हमने, आसान पूछी गई थी यहाँ पर। और फेमस पर्सनैलिटी लालचंद प्रार्थी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इन्होंने कुल्लू प्रदेश की कहानी किताब भी लिखी थी, ये कुल्लू जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 127 के बाद 128 देखिए, वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास। तो रिवर ब्यास का वैदिक नाम क्या है, अर्जी क्या है, कल पूछा गया था चेनाब नदी का वैदिक नाम, चेनाब नदी का वैदिक नाम मस्किनी है। आगे 129 देखिए, बोलते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा वीर सेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो लॉर्ड मेयो ने शिमला विजिट किया था 1871 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 131 में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिगेम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम पहले गवर्नर की बात करें कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे एस चक्रवर्ती, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 133, 133 में बोलते हैं विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पार्वती 3 परियोजना जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, यानी कि NHPC जो है इसको एग्जीक्यूट करती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आपको पता है गग्गल एयरपोर्ट है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 135 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987। 1987 में सबसे पहला परशुराम अवार्ड दिया गया था सुमन रावत को, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे चलता है इंडिया जीके फर्स्ट सेक्शन, सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स चेक करना, कमेंट बॉक्स में जो मैंने कमेंट किया होगा सबसे ऊपर पिन करके उसमें मैंने करेक्शन जो है वो ठीक कर दी होगी। बाकी टेलीग्राम पर भी मैं करेक्शन ठीक कर दूंगा, वहाँ पर भी आपको करेक्शन ठीक करके मिल जाएगी। और आंसर की आने पर ज़रूर मैच कीजिएगा जिन लोगों का पेपर है। 136 देखिए, बोलते हैं विच इज़ द यूज इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। तो हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में सल्फर यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी सल्फर सही आंसर है। 137 में बोलते हैं विच एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग मैगनेट्स। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैगनेट बनाने के लिए एलनिको एलॉय जो है वो यूज़ होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है एलनिको। 138 में बोलते हैं द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल हुज सरफेस इज शाइनिंग एंड हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो हाईएस्ट ग्रेड कोल होता है एंथ्रासाइट कोल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है एंथ्रासाइट। आगे बोलते हैं विच इज़ गुड न्यूक्लियर फ्यूल। तो इनमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूल सबसे अच्छा है प्लूटोनियम 239, ऑप्शन डी सही आंसर है। बोलते हैं आगे 140 में विच फाइबर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर मेकिंग गॉज एंड लिंट। तो गॉज और लिंट बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज़ किया जाता है, रेयन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 141 में स्पोनिफिकेशन इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्ड ऑयल। बोलते हैं साबुनीकरण में चर्बी और तेल का जल अपघटन जो है वो किसके द्वारा होता है, कास्टिक सोडा के कारण, ऑप्शन डी सही आंसर है कास्टिक सोडा। 142 में बोलते हैं
फिश प्लेट इन रेलवे ट्रैक इज़ यूज, तो रेलवे ट्रैक में जो फिश प्लेट यूज होती है, उपयोग होता है उसका, वो क्यों होता है? वो होता है टू कनेक्ट टू रेल्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 143 देखिए, बोलते हैं द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, तो सलाइवा जो है, लार जो है, वो किसके पाचन में सहायता करती है? ये स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 144 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लड प्रेशर, तो इनमें से कौन सा जो है वो रक्तचाप से संबंधित है, रक्तचाप से संबंधित है एडर्नल, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ फनी बोन, इनमें से कौन सी फनी बोन कहलाती है? तो इसका होगा अनर्व, एक तंत्रिका, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 146 में बोलते हैं, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन चलते हैं, बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर, तो डेली अगर वीडियोज देखे होंगे ना डिटेल से, तो मैक्सिमम हिस्ट्री आप ठीक कर कर आए होंगे, इसका ऑप्शन सी सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी? इन सभी तक फैली थी। 147 में बोलते हैं पुराना कंटेन, तो पुराणों में क्या है? पुराणों में जो है वो थॉट ऑन मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों का विचार है, ऑप्शन बी सही आंसर है। साका इरा वॉज फाउंडेड बाय, तो ये तो पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया होगा अपनी वीडियो में, फाउंड किया गया था ये कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है, शक काल। आगे बोलते हैं रामानुजा प्रीचर, तो रामानुजा ने किसकी शिक्षा दी थी? इन्होंने द्वैत की शिक्षा दी थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं बहादुर शाह सेकंड वाज एग्जाइल्ड बाय ब्रिटिश एंड सेंट टू, बहादुर शाह सेकंड को देश निकाला देकर अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था? तो इनको रंगून भेजा गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट करेक्टली पेयर, तो इनमें से ऑप्शन सी सही आंसर है, भोंसले इंदौर जो है वो करेक्टली पेयर नहीं किया गया है। 152 देखिए, बोलते हैं विच वॉज द रॉ मटेरियल दैट वॉज जनरली यूज इन अकबर्स टाइम, तो अकबर के टाइम में जो सामान्य रूप से कच्चा माल उपयोग होता था वो था रेड स्टोन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन आर रिटन इन विच स्क्रिप्ट, तो अशोका के जो इंस्क्रिप्ट थे, अशोका की जो अभिलेख थे, वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन डी सही आंसर है। 154 में बोलते हैं ग्रेट स्कॉलर बाण भट्टा लाइव ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो बाण भट्ट जो था वो किसके काल में थे? तो हर्षा की बात आपने की है, हर्षा के बारे में हमने पढ़ा है, ऑप्शन बी सही आंसर है, हर्षा के ये कार्यकाल में होते थे। आगे बोलते हैं चाइनीज पिलग्रीम फाहेन विजिटेड इंडिया इन, तो चीनी यात्री फाहियान ने कब भारत विजिट किया था? तो चीनी यात्री फाहियान ने भारत विजिट किया था 5th सेंचुरी में, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए 156, बोलते हैं द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज, इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, तो कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में ट्रेस किया जा सकता है, तो कास्ट सिस्टम जो है वो ऋग वैदिक पीरियड से ही है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं थियोफिस्ट एजुकेशनलिस्ट एंड इंडियन नेशनल लीडर डिस्क्रिप्शन फिट्स, तो ये एनी बेसेंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन जो है बैठती है, ब्रह्मविद, शिक्षविद और भारतीय राष्ट्रीय नेता, ये विवरण इनके ऊपर सही बैठता है। आगे बोलते हैं एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट वॉज कम्प्लीटेड इन, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के अलावा भारतीय राज्यों का एकीकरण कब हुआ था? ये 1949 में हुआ था, नवंबर 1949, ऑप्शन सी सही आंसर है। 159 देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू माउंट विटन प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन डोमिनियन, तो बोलते हैं माउंट विटन योजना के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र को भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं किया जाना था? नहीं किया जाना था जब आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सिंध हो जाएगा, सिंध जो है इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वॉज फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जो है वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का साथी था? तो गांधी जी का साथी था पोलक, ऑप्शन बी सही आंसर है। 161 देखिए, बोलते हैं द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज हाइएस्ट, तो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ हाइएस्ट होती है अलॉन्ग द इक्वेटर, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के समक्ष। और अगला देखिए 162, बोलते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इन एयर इज, तो ये हाइग्रोग्राफ होता है, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए सही आंसर है, हाइग्रोग्राफ। 163 देखिए, बोलते हैं विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज, तो इनमें से कौन सी लेक जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती है? कालडेरा लेक, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ज्वालामुखी कुंड झील जो है वो सही आंसर है। 164 में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स इन रिवर बेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रिवर नदी के किनारे जो पॉट होल्स बनते हैं वो किसका उदाहरण है? वो कोरेजन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी अपघर्षण जो है वो सही आंसर है। 165 में बोलते हैं विच आइलैंड इज लोकेटेड इन द कैरिबियन सी, इनमें से कौन सा आइलैंड जो है वो कैरिबियन सी में स्थित है? तो जमैका आइलैंड सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जमैका सही आंसर है।
अगला देखिए 166 बोलते हैं, तिराना इज दी कैपिटल ऑफ, तो तिराना कहाँ की कैपिटल है? ये अल्बानिया की कैपिटल है, ऑप्शन सी अल्बानिया सही आंसर है। 167 देखिए, उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी पोस्ट कोड 962 की, तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, टेस्ट सीरीज़ आप अवेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 167 देखिए, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स आर फाउंड इन, तो सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 168 में बोलते हैं, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कैनाल लाइज इन विच इंडियन स्टेट, तो बोलते हैं नहरों की अधिकतम घनत्व जो है वो किस भारतीय राज्य में है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में ही, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, विच स्टेट इज़ दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया, तो बोलते हैं भारत में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा माइका कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये आंध्र प्रदेश में होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। आगे बोलते हैं, विच सिटी हैज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ टू डिफरेंट जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे, तो बोलते हैं भारतीय रेलवे के दो भिन्न जोन जो है वो इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मुंबई इसका सही आंसर है। आगे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वेसी फेडरल है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 172 में बोलते हैं, द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया जो है वो कौन से देश के संविधान से ली है? ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 173 में बोलते हैं, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज, तो ये फर्स्ट शेड्यूल जो है वो भारतीय संविधान का है, जो अनुसूची जो राज्यों के नाम और सूची एवं इनका जो है वो क्षेत्र दिया गया है जिसमें, तो आगे बोलते हैं 174 में, वाइस प्रेसिडेंट इज, तो ऑप्शन डी नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 175 में बोलते हैं, अ मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही फील्स अ मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस इज कॉल्ड, तो बोलते हैं संसद सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि मंत्री ने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है, तो इसे कहते हैं प्रिविलेज मोशन, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, चंडीगढ़ से कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, तो लोकसभा जब आपसे पूछा गया है, लोकसभा स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है, तो एक सीट यहाँ से है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 177 देखिए, तो बोलते हैं द पावर ऑफ मिटिगेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स इन विच ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो बोलते हैं केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का प्रशमन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के मध्य आता है, ऑप्शन ए ओरिजिनल सही आंसर होगा। 178 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 179 में बोलते हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी नहीं है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए? तो इसका पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 180 में, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन नाश्डैक, तो नाश्डैक में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी इन्फोसिस, ऑप्शन डी इन्फोसिस जो है वो सही आंसर है। 181 में बोलते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड SMB साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, तो ये लॉन्च किया गया व्हाट्सएप के द्वारा, SMB साथी उत्सव प्लेटफॉर्म। आगे देखिए 182 में बोलते हैं, मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ, अच्छा अगला क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, तो इससे आगे चलिए 182 देखिए, बोलते हैं RBI रिसेंटली अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, तो ये किस बैंक RBI ने हाल ही में किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति दी है? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को दी है, ऑप्शन बी शहरी सहकारी बैंक जो है वो सही आंसर है। 183 देखिए, कल देखो कल मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था ना उसमें तो जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे वो अपने हमने भी डिस्कस किए थे अपने हैंडमेड नोट्स में, हैंडमेड नोट्स भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं जो वीडियोस हम डालते हैं। 183 देखिए, हु इज़ दी फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6th वर्ल्ड कप, तो बोलते हैं कौन है ये, तो ये है मिथाली राज, ऑप्शन बी सही आंसर है, जो 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बनी है। अग्निफोर क्या है बोलते हैं, तो अग्निफोर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 185 में, एक्स खान क्वेस्ट 2022 ये एक्सरसाइज हुई मल्टीपर्पज पीस कीपिंग एक्सरसाइज, ये किस कंट्री ने होस्ट की थी, तो ये मंगोलिया ने होस्ट की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर आएगा, ई इसका सही आंसर होगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो
वी जेड इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बी के क्यू डी वी ई ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। उसी तरह जब आगे चलेंगे और 189 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका बोलते हैं विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट तरुण आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। 190 में बोलते हैं रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी 13 सही आंसर आ जाएगा। 191 में बोलते हैं एंटोनियम बताना है कंसोलिडेट का, कंसोलिडेट का एंटोनियम ऑप्शन बी वीकन होता है। करेक्टली स्पेल करना है कंपटीशन को आपको, कुछ नहीं आपको यहाँ पर कंपटीशन की स्पेलिंग बतानी है, तो इसकी स्पेलिंग होती है सी ओ एम पी ई टी आई टी आई ओ एन, इस हिसाब से ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे साइनोनियम पूछा गया है ग्रांट का, तो ग्रांट का साइनोनियम होगा स्प्लेंडिड, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 194 में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया, लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज, इसको पैरालिसिस बोलते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 195 में बोलते हैं ही स्टैंड्स फॉर होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी फॉर व्हाट ही हैज डन। आगे सानुभाव का समास पूछा गया है, तो शायद इसमें अव्ययीभाव समास होगा, इसको पेंडिंग रखते हैं, आंसर की आने पर चेक करेंगे। 197 में निष्फल का संधि विच्छेद बताते हैं, ऑप्शन सी नी जमा फल सही आंसर होगा। आगे अभिमानी बताना है कि किस तरह से लिखा जाता है, अभिमानी लिखने का सही तरीका है ऑप्शन बी अभिमानी इस तरह से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है अभिमानी किस तरह से लिखा जाता है। श्रुति का विशेषण आपको बताना है, तो इसका विशेषण शायद श्रुति ही होगा, खैर देखते हैं आंसर किए आने पर। और जटिल का प्रत्यय बताना है, तो जटिल का प्रत्यय इल होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, इल जटिल का प्रत्यय है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है, वहां से सर्च करना है @ALLEXAM31, इस तरह से 21-22 हज़ार से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और आंसर की भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जब भी आंसर की आती है ऑफिशियल आंसर की। तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी, जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को, हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।